नमस्कार। मुंह पर मास्क, इंसानों से दूरी, मौत और जिंदगी के बीच जद्दोजहद, आज भी ये खौफनाक मंजर हर किसी को याद है। दुनिया आज भी इस खौफ के साए में है। अभी दुनिया के सामने कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही था कि अब ओमिक्रॉन भी आ गया है। बस इतना समझ लीजिए, ओमिक्रॉन पर जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में तो ओमिक्रॉन ने कहर मचा रखा है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। कुल मिलाकर कहें तो अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। चलिए बताते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया गया। ओमिक्रॉन कोविड की B.1.1529 लीनिएज से ताल्लुकात रखता है। ओमिक्रॉन डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन तेजी से म्यूटेंट भी हो रहा है। पकड़ में आने से पहले ही इसमें 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला। आपको यह बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। राहत की बात यहां यह है कि इस नए वेरिएंट का कोई खतरा भारत के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस अभी तक नहीं मिला है, फिर भी इसे लेकर भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों की गहन जांच होगी। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। यह भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन भी कम असरदार साबित होगी। खैर, इस बात को पुख्ता तौर पर कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च की जरूरत है। आइए अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा में कितना फर्क है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट के सामने आए। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशंस मिले थे। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जो इसे कहीं ज्यादा संक्रामक और घातक बनाता है। ओमिक्रॉन में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी गायब है, जो इसे और संक्रामक बना सकता है। दोनों वेरिएंट्स के लक्षणों में कोई फर्क नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर इस नए वेरिएंट ने हर किसी को खौफ में डाल दिया है। अब तो विशेषज्ञ भी इसे लेकर काफी चिंतित हैं, और उनका कहना है, वायरस इंसान की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन शरीर को इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार करती है। B.1.1529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट्स हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी। तो आपको यहां बता दें, इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन सिर्फ 40% ही काम करेगी। वहीं इस खतरनाक और नए वेरिएंट को लेकर WHO का साफ साफ कहना है कि शुरुआती सबूत बताते हैं कि नए वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसमें कई म्यूटेशंस हैं और उनमें से कुछ चिंताजनक हैं। पता करने में हफ्तों लगेंगे कि नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है। चलते चलते आपको बताते हैं, दुनिया के सामने डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा है। सभी देश इसे लेकर हाई अलर्ट पर हैं। बहरहाल, हमारी आप सभी से यही अपील है कि मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और तमाम नियमों का पालन भी जरूर करें।